सब्सक्राइब एंड प्रेस दि बैकन टू गेट नोटिफाइड फॉर दी लेटेस्ट टेक वीडियोज़ असलम यूट्यूब मेरा नाम है वासे आप देख रहे हैं वासी टेक टिप्स और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट कैसे बाई कर सकते हैं दराज पर वीज़ा के डेबिट कार्ड को एज अ पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हुए दरास के ऐप में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं दराज के ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेता हूँ आपने सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेना है कोई भी चीज़ बाय करने से पहले तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है तो ये है वो प्रोडक्ट जो मैं बाय करना चाहता हूँ आपने जो भी प्रोडक्ट बाय करना है आप उसको अपनी कार्ट में डाल देगा या अगर एक की प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट बाय कर लेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइस है तकरीबन उनतीस सौ रुपये और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे हैं तो मैं इसको बाई करूँगा अपने वीज़ा डेबिट कार्ड के थ्रू तो सबसे पहले मैं बाई नाव पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आपको एड्रेस वगैरह शो कराएगा और टोटल वगैरह शो कराएगा अगर इसमें कोई शिपमेंट वगैरह लग रही है या नहीं तो ये आप आराम से देख लेगा आपने प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है पेमेंट मेथड्स नीचे लिखा आ रहा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और यहाँ पर आपके पास और भी डिफरेंट पेमेंट मैथड है जिस तरह ईजी पैज़ा जैस कैश आप जैस कैश के थ्रू कैसे पेमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है तो उसका बॉक्स इधर ऊपर आ रहा होगा अगर आप वो देखना चाहते हैं और उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा बहरहाल चूंकि हम इस वीडियो में डेबिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे या अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और लॉडिंग हो रही है अभी नेक्स्ट पेज खुलने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर डालना है ये कार्ड नंबर आपके डेबिट कार्ड के सामने या क्रेडिट कार्ड के सामने लिखा होता है जो भी आपके कार्ड के ऊपर नेम है वो आपने लिखना है और आपने एग्जैक्ट वही स्पेलिंग लिखनी है जो आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऊपर है मिसाल के तौर तो पर अगर उसके ऊपर वासे लिखा हुआ है तो अगर उसके ऊपर W A S A Y लिखा है तो आपने यहाँ पे भी वही स्पेलिंग लिखनी है अगर मैं E Y लिखूँगा तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा पेमेंट में इसके अलावा एक्सपायरेशन डेट भी आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऊपर लिखी होती है अगर वहाँ एक्सपायरी एक्सपायरेशन डेट ना हुई तो वहाँ पे लिखा आ रहा होगा वैलिड थ्रू तो वो बेसिकली डेट आपने यहाँ डाल देनी है और एंड में लिखा आ रहा है सी वी वी सी वी वी बेसिकली आपने ये करना है कि आपने अपने डेबिट कार्ड को पलटाना है उसके पीछे तीन डिजिट्स का नंबर होगा तीन तो वो आपने यहाँ पर तीन डिजिट्स लिख देने हैं जो भी आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड पर होंगे इसके अलावा बेशक दराज़ हो या कोई भी वेबसाइट हो वो कभी भी आपके डेबिट कार्ड की पिन नंबर नहीं मांगती अगर कोई वेबसाइट में ये लिखा आ रहा है कि आप अपनी पिन नंबर डालें तो आपने उस वेबसाइट से कभी भी अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू बाय करना ही नहीं क्योंकि कोई भी वेबसाइट हो वो कभी भी आपकी पिन नंबर नहीं मांगती तो अगर कोई वेबसाइट आपकी पिन नंबर मांग भी रही हो तो आपने कभी भी उस वेबसाइट से बाय नहीं करना वो सेफ़ नहीं होती तो बेसिकली यहाँ पे कार्ड नंबर मैं डाल देता हूँ अपना उस नेम ऑफ कार्ड उसकी एक्सपायरेशन डेट और सीवीवी जो मैंने बताया था कि आप अपना कार्ड पलटाएंगे पीछे तीन डिजिट्स होंगे वो आपने लिख देने हैं तो वो मैं लिख देता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट पे फिर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स डाल दी है और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप अपना नेम ऑन कार्ड यानी जो भी आपके कार्ड के ऊपर नाम है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे आपने हमेशा उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है स्मॉल लेटर्स में ना लिखेगा क्योंकि वो कभी काम करता है कभी नहीं तो कैपिटल लेटर्स में अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो वो हंड्रेड परसेंट श्योर होता है कि वो आपका कार्ड काम करेगा और आप नीचे देख सकते हैं क्योंकि मैं डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर ये लोग मुझे कुछ डिस्काउंट भी दराज वाले दे रहे हैं तकरीबन दो सौ नब्बे रुपये छोड़ें जो कि और अच्छी बात होगी हमें और पैसे बच रहे हैं अब आप पे ना के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये प्रोसेस हो रहा है अगर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होती पहली वजह यह है कि आपने अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स गलत डाली हैं दूसरी वजह यह हो सकती है कि कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिनको आपको बाकायदा फ़ोन में बैंक में कॉल करके उनको एक्टिवेट कराना होता है मिसाल तौर तो पर मेरा जो कार्ड था वीज़ा का वो एलाइड बैंक का कार्ड था तो मैंने डायरेक्टली इस तरह बाय नहीं कर सकता मुझे ये पहले करना पड़ा था कि मुझे एलाइट बैंक की पहले हेल्पलाइन को कॉल किया था मैंने उनको मैंने बताया था कि मैंने इस डेबिट कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक्टिवेट करना है फिर उन्होंने मेरा कार्ड एक्टिवेट किया और उसके बाद अब मैं चीज़ बाय कर रहा हूँ अगर आप एच बी एल यू बी एल अलाइड बैंक या स्टैंडर्ड चार्ट किसी भी पाकिस्तानी बैंक में है तो आपने सबसे पहले बैंक वालों को कॉल करना है उनको कहना है कि सर मैंने बैंक वालों को या अपनी हेल्पलाइन को कॉल करना और उनको कहना है कि मैंने अपने वीज़ा डेबिट कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना है इतने घंटों के लिए इतनी रकम के लिए इसको एक्टिवेट कर दें तो उसके बाद ही आप चीज़ बाय कर पाएंगे तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं ताकि हमें एक एसएमएस भी आ जाए हमारे मोबाइल में कि इतने पैसे कटे हैं हमारे अकाउंट से तो बेसिकली इधर हमने वो कोड लिख देना है जो उन्होंने हमारे मोबाइल नंबर पे भेजा है तो जैसा कि आपको भी एस की आवाज़ भी आई तो मैं वो कोड यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है जिसको ओ हम कहते हैं वन टाइम पास कोड अब मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँ ताकि पेमेंट वेरीफाई हो जाए कि इस चीज़ को मैं ही बाय कर रहा हूँ तो अब प्रोसेसिंग हो रही है तो मेरे पास ये विंडो खुल आ गई जब मैंने वो पास मैसेज डाले जो उन्होंने एस किया था और मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है अब मैं कंटिन्यू शॉपिंग में क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों इस तरह आप दराज पे कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं अपने डेबिट कार्ड को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करते हुए अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर आपके को पास कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ़